इवेंट वेल ऑर्गेनाइज था और हॉक एविएशन ने बेसिकली जिस तरह से यहाँ पे अपना फ्यूचर विजन शेयर किया है उसे चीज़ पता लग रही है कि ये लोग डेडिकेटेड हैं अपनी कॉज के साथ। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सिर्फ कोर्सेज वगैरह करते हैं लेकिन वो ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते, और जिस तरह से ने बताया कि भाई जर्मनी के साथ इनका कोलैबोरेशन चल रहा है वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि विद इन फ्यू ईयर्स जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर और अच्छी जगहों पर जॉब कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास सीनियर में भी आ रहे हैं और वहाँ पर वो ट्रेनिंग ज़रा भी कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हम उम्मीद करेंगे बेहतर रहेंगे। बेसिकली जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में मुझे पता है क्योंकि मैं खुद ग्रेजुएट हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से, वहाँ से मैंने बैचलर्स की थी, तो बेसिकली नॉर्मली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ अपना कन्वोकेशन कर रही होती हैं। यहाँ पे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स इनका लोगों को पता था उसमें ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये टेपटा का हो गया और सेकंड इंस्टीट्यूट से, तो वो भी अपना कन्वोकेशन ऑर्गेनाइज नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि एक स्पेशलाइज फील्ड है और इस फील्ड के लिए कन्वोकेशन होना इस वजह से मैंडेटरी है कि पेरेंट्स को आइडिया होता है कि उनके बच्चों ने क्या अचीव किया है, और कन्वोकेशन से स्टूडेंट्स को भी हेल्प काफ़ी मिल जाती है, उनका मोरल बूस्ट होता है, तो मेरे नज़दीक एक अच्छी एक्टिविटी है और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। ग्रेजुएट्स के लिए मैसेज ये है कि एविएशन एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत सी हार्डशिप्स आती हैं जिस तरह हम लोगों ने फेस की और वो इनको भी करनी है, और इसमें वही लोग एक्सेल कर सकते हैं जो कि हार्डशिप्स को एक्सेप्ट करें और उनको ओवरकम करें। द मोमेंट कि लोग अपनी उम्मीद छोड़ देंगे तो इनका करियर एंड हो जाएगा। एविएशन में करियर है और इसकी गुंजाइश भी है। अभी रिसेंटली 4 to 5 एयरलाइंस हैं जो कि मज़ीद आ रही हैं और लोग इस तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर कैरियर इस लिहाज से भी अभी कोरोना की वजह से थोड़े से इश्यूज़ बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना फेज से बाहर निकलेंगे फ़्लाइट्स पर रिज्यूम होंगी तो उम्मीद ये करते हैं कि चांसेस होंगे, और सरीनर से भी उम्मीद है कि उसने हायर करना है लोगों को क्योंकि हमारे मैन पावर की भी शॉर्टेज है और कोरोना की वजह से हायरिंग नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही ख़त्म हो गया तो इंशाल्लाह फिर ये जॉब्स वगैरह सेक्टर्स ओपन होगा। जो ये कंटिन्यू किया है इन्होंने एक अच्छी चीज़ कंटिन्यू की है और इसको कंटिन्यू करते रहें, और जिस तरह से ये अपने विजन्स को रिफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे मॉड्यूल्स करा रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये पहला इंस्टीट्यूट होगा कि जो कि यासा 147 अप्रूव्ड बेसिक ट्रेनिंग की तरफ जाएगा, जो अगर इनकी कोलेब्रेशन जिस तरह बताया जर्मनी के साथ हो रही है, तो इसी तरह ये अपने विजन को आगे लेके जाएँ, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छी बेहतरी लेके आएंगे। थैंक यू।